नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए, मैं यहाँ पे आज आप लोगों को प्रोनाउन चैप्टर में जो है यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे जो है ये जो केडी पब्लिकेशन बुक है इसका कंप्लीट क्वेश्चन का कॉम्पोनेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पे कराएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो है प्रोनाउन चैप्टर से आपके एग्जाम में कॉमन नेट से क्वेश्चन रहते हैं, या तो आप सीजिल हो या सीपीयू हो या सीडीएस हो एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको ये चैप्टर से आपको क्वेश्चन 100% रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। इसमें जो हम कॉमन नेट कराएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग को भी पता है कि ये जो केडी पब्लिकेशन जो नीतू सिंह का बुक है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पे ये करा रहे हैं, जिसमें आप लोग को प्रोनाउन चैप्टर भी हम कराएंगे। इससे पहले जो है आप लोग को जो है सिंटेक्स चैप्टर कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिए, उसके बाद कंजंक्शन चैप्टर हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे टाइम एंड टेंस को भी क्लियर कर चुके हैं। अभी हम प्रोनाउन चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन कंसेप्ट वाइज कराएंगे। इसके बाद प्रत्येक चैप्टर को हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन कराते हुए चलेंगे इस बुक का, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए भी वर्ष तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को बनाना। एक एक करके सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कंसेप्ट वाइज बनाएंगे और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और पूरा बेहतर रहेगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एक नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ कि अनलेस टू और मोर मेंबर प्रोजेक्टेड टू हिम, देखिए हिम ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप्स नो एरर। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ना, देखिए और का कंसेप्ट थोड़ा सा हम आप लोग को पूरा कंसेप्ट वाइज इन चीज़ों को बताते हुए चलेंगे, जिससे आप इस चीज़ को एक बार देख लें तो इस पर रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना तो 100% आप बना के आइएगा। चलिए पहले हम आप लोग को एक कंसेप्ट को बता देते हैं, इसमें और लिखा हुआ है तो और पे देखिए क्या है कंसेप्ट। देखिए यहाँ पे और लिखा है ना, तो ये और जो है इसका फंक्शन किस तरीके से काम करता है। और से पहले हमारा सब्जेक्ट नंबर वन होता है एंड और के बाद जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर टू होता है, ये और के बाद सब्जेक्ट नंबर टू होता है। अब देखिए और जो है और के बाद सब्जेक्ट नंबर टू में अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ना, तो ये आगे अपने लिए सिंगुलर वर्ब का चुनाव कर लेता है, ठीक है। अगर ये प्लुरल सब्जेक्ट हुआ, अगर ये प्लुरल सब्जेक्ट हुआ ना, तो आगे ये प्लुरल वर्ब का चुनाव कर लेता है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे जो है सब्जेक्ट नंबर टू के ही अकॉर्डिंग आगे हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अभी हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है ये जो है यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर टू के ही अकॉर्डिंग यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्ट एडजेक्टिव का भी प्रयोग हो जाएगा, ये आपका या आपको इसी के अकॉर्डिंग आपका पोसेसिव प्रोनाउन का भी प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अब जब पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तो इसके बाद नाउन का रहना जरूरी होता है, लेकिन जब पोसेसिव प्रोनाउन होगा तो इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। तो अभी हम लोग प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको ये और ये दो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इसमें जो हम क्वेश्चन कराएंगे। सिंटेक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो सिंटेक्स से ये पॉइंट आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। सिंटेक्स या कंजंक्शन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये पॉइंट आप लोग का क्लियर होगा, ठीक है ना। तो हम इस तरीका से यहां पे कंप्लीट क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे, जिससे आपको कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप बना के आइएगा। इसलिए हम वीडियो में शुरू में ही बोले हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए और सभी क्वेश्चन को हम यहां पे इस तरीका से बताएंगे कि पूरा पूरा समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर वन अब हम लोग पढ़ते हैं। सेम इसी तरीका से आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर पे। इस पे एक आप लोग को क्वेश्चन भी हम दे देते हैं। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन लिखेंगे कि ही और सी ही और यहाँ पे आई कर लेते हैं, हैज या हैव डोन माई या हिज वर्क। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए क्या होगा आंसर। हम लोग प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं जी, तो यहाँ पे ये प्रोनाउन को हम लोग को देखना है कि यहाँ पे क्या होगा आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है और से पहले यहाँ पे ये सब्जेक्ट नंबर वन है और के बाद ये सब्जेक्ट नंबर क्या है जी, ये आपका टू है, ठीक है। अब सब्जेक्ट नंबर टू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, और यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव देखें तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे माई का प्रयोग है, हिज का प्रयोग
प्रयोग नहीं होगा। तो यही सब पॉइंट को आप लोग को पकड़ना है। जैसे हम प्रोनाउन पढ़े हैं तो इसी तरीके से सभी क्वेश्चन में, लगभग क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से इसका पॉइंट को पकड़ना होगा, तब जाके आपका क्वेश्चन सही होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। लिखा हुआ कि अनलेस टू और मोर मेंबर्स प्रोजेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टू हिम जो है ये कहना गलत होगा। एक नंबर में जो है टू हिम कहना गलत होगा, वहाँ पे हिम नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा जी, हिज का प्रयोग करना सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दो को हम लोग देखते हैं, इसी स्ट्रक्चर पे ये क्वेश्चन हम बनाए हैं, ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे जो क्वेश्चन लिखा है कि आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखिए ऑफ के बाद जो मी का ना गलत होगा, विनिंग से पहले जो है यहाँ पे माई का प्रयोग करना सही होगा। और ये भी आपका पोसेसिव एडजेक्टिव हुआ, और ये भी आपका पोसेसिव एडजेक्टिव ही हुआ। इसके बाद हम लोग का एक नाउन रहता है, और देखिए दोनों क्वेश्चन में आपको ज़रूर नाउन दिया होगा, ठीक है, देख पा रहे हैं। आगे जो क्वेश्चन है तीन नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आवर डॉग माई लुक यहाँ पे फ्रेश बॉटे डेट वुडंट, उसके बाद यहाँ पे हर्ट ए फ्लाई। तो यहाँ पे देखिए डॉग की बात हो रही है ना, तो डेट का प्रयोग नहीं करेंगे। डेट का प्रयोग कब करते हैं, तो उसके लिए लिविंग थिंग का लिया होता है। जैसे यहाँ पे अभी डेट का प्रयोग हम आगे बताएंगे, इट का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे डेट के पोजीशन पे, ठीक है। आगे जो है चार नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख पा रहे हैं। चार नंबर जो क्वेश्चन लिखा कि नो वन कैन चैलेंज यहाँ पे डेंस टेनी यहाँ पे isn't it कहना गलत होगा। जब भी आपको सेंटेंस में यहाँ पे नो वन दे देगा ना, या नो बडी दे देगा ना, नो बडी, तो ये जो है नो बडी BODY, ठीक है, नो बडी दे दे, या समवन एनीवन, नो वन, नो बडी, एनीबडी, ये सारे चीज़ अगर देगा ना, तो इसके लिए जो है हम वर्ब का चुनाव करते हैं सिंगुलर। और क्वेश्चन टैग की बात करें तो इसके लिए दे का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कैन दे का प्रयोग करना सही होगा, इट या कांट दे इट का प्रयोग करना गलत होगा। यहाँ पे जो प्रयोग कीजिए कैन दे का प्रयोग कीजिए जो सही होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए तो ये आपका सही होगा। चलिए चार के बाद पाँच नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए आप लोग को जो क्वेश्चन पे डाउट लगे या जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका जरूर हम यहाँ पे रिप्लाई देंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और इसका हम इस तरीके से बता रहे हैं जो आपको हम पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा, उसका फिर से हम आप लोग को कंप्लीट सोल्यूशन उसका हम देंगे, या कमेंट बॉक्स में उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, आगे हम लोग पाँच के बाद छः नंबर जो क्वेश्चन लिखते हैं। तो फ्रंट्स पेज स्टोरी वॉज एबल ए स्कूल गर्ल डैट। अब देखिए यहाँ पे जो है स्कूल गर्ल, जब यहाँ पे पर्सन की बात होगी, जब भी यहाँ पे पर्सन की बात होगी तो उसके लिए किस चीज़ का प्रयोग करना होगा। छः नंबर देखिए ये कंसेप्ट है आपका, हु का प्रयोग करेंगे। हु एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जिससे पहले यहाँ पे जो होता है पर्सन होता है, जो यहाँ पे लिविंग थिंग के लिए ही प्रयोग होता है। यहाँ पे लिविंग थिंग होना चाहिए, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करना होता है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो ये सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ पर्सन, तो ये अपने लिए प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा, ठीक है। तो इस तरीका से यानी सब ये हो से पहले जो यहाँ पे पर्सन होता है, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो प्लूरल वर्ब, और यहाँ पे जो पर्सन होगा अगर ये लिविंग थिंग रहेगा, मानव जाति का बोध होगा, तो यहाँ पे विच का प्रयोग कर देगा तो नहीं होगा, सिर्फ हु का प्रयोग करना सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हु का प्रयोग कीजिए सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे कई नंबर क्वेश्चन है, छः नंबर में जो है यहाँ पे डेट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे हु का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे जी, हु का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर में जो है आपका हु का प्रयोग हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम बताएं कि नहीं बताए हैं, चलिए इसको हम देख लेते हैं, नहीं बताए। ऑल द यहाँ पे लिखा हुआ है
ऑल द डॉबेट्स, यहाँ पे डॉबेट्स एंड क्लियर्ड बिटवीन यू एंड आई नो इरर। तो यहाँ पे देखिए बिटवीन एक प्रीपोजिशन होता है, बिटवीन एक क्या होता है जी, पांच नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, पांच नंबर लग रहा है नहीं बताया है। बिटवीन जो होता है, बिटवीन जो होता है ये एक प्रीपोजिशन होता है, ये क्या होता है एक प्रीपोजिशन होता है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है। तो ये जब दो एंड से जुड़ेगा ना तो दोनों ये ऑब्जेक्ट ही होगा, ये ऑब्जेक्ट नंबर वन होगा और ये ऑब्जेक्ट नंबर क्या होगा टू होगा। तो यहाँ तो यू कहना सही है लेकिन यहाँ पर आई दिया है जो गलत है, यहाँ पर मी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सही होगा, यानी पाँच नंबर में जो आप लोग भी पकड़ पाए कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी में इरर है, ठीक है, सी में इरर है। छह तो बताइए दिए। सात नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सात नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि द लास्ट थिंग्स डैट द फाउंड्स मदर्स, यहाँ पे फाउंड मदर्स गिव हर वनली सोन वॉज हिज ब्लेसिंग नो इरर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिज कहना गलत होगा, मदर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हिज कहना गलत होगा, यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव हर का प्रयोग कीजिए सही होगा, इसी स्ट्रक्चर पे ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो हर का प्रयोग करेंगे। आठ नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आठ नंबर जो क्वेश्चन लिखा हो कि इट इज़ नॉट आई हु इज कहना गलत होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आठ नंबर। देखिए हु जो है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है और हु से पहले आई है। अब आई है, अभी हम आप लोग को बताएं कि हु से पहले जो होगा उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब का चुनाव करना होगा। तो आई के अकॉर्डिंग आगे हम लोग यहाँ पे इज का प्रयोग नहीं करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है और इस पर कंप्लीट वीडियो हम आप लोग को दो तीन वीडियो इस पर हम बताए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आठ का जो है यहाँ पर आठ का एम करना सही होगा, इज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। नौ नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि आई सेल ए वाइल, तो उसके बाद ऑफ हिज अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। तो यहाँ पे जो है वाइल नहीं, यहाँ पे माई सेल्फ का प्रयोग कीजिए, आई सेल, यहाँ पे नौ नंबर में आई सेल माई सेल्फ करना सही होगा, आई सेल माई सेल्फ करना सही होगा। चलिए दस नंबर जो है, इस क्वेश्चन को आप लोग अगर नहीं समझ में आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर उसका रिप्लाई करेंगे। पुट एंड पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रिलीज द पोसी, यहाँ पर प्रॉब्लम्स फर्स्ट इन माई प्रोफेशन नो इरर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसमें जो है आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कीजिए, यहाँ पे जो है योर सेल्फ का प्रयोग करना सही होगा। पुट के जस्ट बाद जो है योर सेल्फ का, यानी ए में ही इरर है, योर योर यहाँ पे सेल्फ का प्रयोग करना सही होगा, ठीक है। आगे जो है 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है 11 नंबर के ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नो इरर। देखिए इसका कंसेप्ट किस तरीका से काम करता है, देखिए जब भी आपको सेंटेंस में ईच देगा ना, ईच दिया तो ईच के बाद ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है, ऑफ एक क्या होता है जी, एक प्रीपोजिशन होता है जो ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का चुनाव करता है और उस पोजिशन में इस ईच के अकॉर्डिंग हम लोग जो है यहाँ पर वर्ब का चुनाव कर लेते हैं। अगर सब्जेक्ट ये ईच के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग कर लेते हैं और ये जो है ये एक प्रोनाउन का काम कर लेता है इस, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आगे हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करें तो इसके लिए हिज होना चाहिए, देर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है यहाँ पे देर का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हिज का प्रयोग करेंगे। 11 नंबर में हिज का प्रयोग सही होगा करना, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी में इधर है, ठीक है, सी में इधर है। इस तरीका से हम आप लोग को क्वेश्चनों को कंप्लीट करा रहे हैं, आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे के क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा गया है स्क्रीन पे वी आर, यहाँ पे वी आर प्राउड टू अनाउंस डेट एवरी वन ऑफ अस हैव एवरी वन। देखिए आप लोग को हम बताए थे कि जब भी आपको सेंटेंस में, जब भी आपको सेंटेंस में यहाँ पे
एवरी वन दे देगा, एवरी वन के बाद ऑफ एक प्रीपोजिशन रहेगा जो अपने बाद ऑब्जेक्ट का चुनाव करेगा, तो इस एवरी वन के अकॉर्डिंग हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एवरी वन दिया है, तो इसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिए, प्लुरल लिखा हुआ है जो गलत है। ठीक है, यहाँ पे प्लुरल लिखा हुआ है जो गलत है, तो यहाँ पे जो है कई नंबर क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन नंबर 12 लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डैट के बाद एवरी वन ऑफ अस से हैव करना गलत होगा, हैज़ का प्रयोग कीजिए, यहाँ पे हैज़ का प्रयोग कीजिए, हैव का प्रयोग करना गलत होगा 12 नंबर में। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं 13 से, 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाने की प्रयास करें। 13 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा कि हेयर इज द मैन हुम, अब देखिए द मैन हुम आई थिंक, तो देखिए यहाँ पे मैन लिखा हुआ है ना, तो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिससे पहले अगर हमारा यहाँ पे पर्सन दे दिया, जैसे मैन दे दिया है। ठीक है, तो मैन दे दिया तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हुम का प्रयोग नहीं करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हुम करना गलत होगा, हु का प्रयोग करना सही होगा, जो ऑप्शन नंबर जो है बी में एरर है, हुम नहीं हु का प्रयोग कीजिए सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, लिखा हुआ है कि ही टॉक के His younger sister, he talk to his younger sister with himself, no error। तो यहाँ पर himself का प्रयोग करना गलत होगा, यहाँ पर सिर्फ him का प्रयोग कीजिए, ये जो है आपको यहाँ पर सिर्फ him का प्रयोग कीजिए। आगे 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ है the company is in debate and has been unable to pay their employees all यहाँ पे सैलरीज फॉर द पास्ट 6 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी क्या एक लिविंग थिंग है, नहीं, कंपनी के लिए हम लोग प्रोनाउन अगर प्रयोग करें तो वहाँ पे देयर का प्रयोग जो लिखा हुआ है वहाँ पे देयर का प्रयोग नहीं होगा, पे टू पे देयर एम्प्लॉय जो है वहाँ पे इट्स एम्प्लॉय कहना सही होगा, यहाँ पे जो होगा इट्स का प्रयोग करना सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 16 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन को जो लिखा हुआ कि द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड, यहाँ पे द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड काउंसलेटेंस टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे जो है द कंपनी के लिए यहाँ पे देम का प्रयोग करना गलत होगा, यहाँ पे इट का प्रयोग कीजिए। ठीक है, 16 नंबर में सिर्फ इट का प्रयोग कीजिए, कंपनी है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, लिखा हो कि यू कैन नॉट चेंज पीपुल बट यू कैन यहाँ पे डिफिनेटली चेंज ऑन, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग मत कीजिए, यहाँ पे योर सेल्फ का प्रयोग कीजिए, यहाँ पे जो है योर यहाँ पे सेल्फ का प्रयोग कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ कि गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउस मस्ट रिड्यूस इट्स, यहाँ पे जो है इट्स ऑन एनर्जी यूज एंड प्रमोट कॉन्वर्सेशंस टू देयर सिटीजन एंड एम्प्लॉयज नो एरर, तो यहाँ पे इट्स का प्रयोग करना गलत होगा, यहाँ पे जो है देयर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देयर का प्रयोग कीजिए सही होगा। ठीक है, आगे जो है 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, 19 नंबर जो क्वेश्चन लिखा कि इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क्स एक्सपेंसिव हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, तो यहाँ पे विच का प्रयोग करना गलत होगा, एवरी दोज के बाद हु का प्रयोग कीजिए, ये आपका सही होगा। ठीक है, 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ कि ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर हॉर्स टुगेदर हु रियली, यहाँ पे हु रियली जो है ये कहना गलत होगा, यहाँ पे देखिए हाउस सॉरी हॉर्स की बात हो रही है, हॉर्स टुगेदर, तो यहाँ पे जो है विच का प्रयोग कीजिए बेटर रहेगा, विच का प्रयोग कीजिए सही रहेगा, क्योंकि ये विच का प्रयोग जो होता है नॉन लिविंग के लिए भी होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी होता है या एनिमल के लिए भी होता है। ठीक है, एनिमल, तो यहाँ हॉर्स जो लिखा हुआ है तो हॉर्स के लिए हम लोग विच का प्रयोग कर पाएंगे और इस हॉर्स के अकॉर्डिंग आगे हम सिंगुलर वर्ब का भी चुनाव कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग प्रोनाउन में यहाँ पे 20 क्वेश्चन को कंप्लीट
कंप्लीट कर पाए, आगे भी इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन का है, इसमें अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, उसका जरूर हम वहाँ पर रिप्लाई देंगे। और देखिए इसी तरीके से हम आप लोग को जो है यहाँ पर इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग को सिंटेक्स चैप्टर, कंजंक्शन चैप्टर, उसके बाद टाइम इंटेंस चैप्टर का कंप्लीट सोल्यूशन हम करा दिए हैं। और इसी तरीके से लगातार जितने भी चैप्टर हैं इस केडी पब्लिकेशन के बुक में उसका कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे हम इस चैनल पे कराएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। नमस्कार।